नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजधानी में संक्रमण और मृत्यु के बढ़ते मामले को देखते हुए जांच बढ़ाने, सघन निगरानी रखने, संपर्कों का पता लगाने तथा निश्चित क्षेत्रों में कड़ाई से नियमों का पालन करने पर जोर दिया। हर्षवर्धन ने संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उच्च स्तरीय बैठक की और सभी जिलों में उच्च संक्रमण दर और कम जांच स्तर पर चिंता प्रकट की। हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में पिछले सप्ताह संक्रमण की पुष्टि दर 22.7% थी, वहीं अनेक जिलों में यह आंकड़ा 38% से ऊपर है। उन्होंने स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के साथ ही जांच क्षमता बढ़ाने के महत्व और इसकी जरूरत पर जोर दिया। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के 16 जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी तो वहीं किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग जिलों के लिए 8 बुलेटिन जारी किए गए, जिसमें तेज बारिश और आंधी के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई। उधर बीते दिन चतरा में क्रिकेट खेल रहे युवक की वज्रपात से मौत हो गई। 8वीं की रिजल्ट जारी, 92% बच्चे पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य में 514,639 परीक्षार्थी में से 538,062 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 1,00,000 विद्यार्थी A+ ग्रेड से पास हुए हैं। छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट www.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस परीक्षा में 91.60% छात्र सफल रहे, जिसमें सिमडेगा जिला का परिणाम अन्य जिलों से सबसे बेहतर रहा। झारखंड में आज 59 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो जमशेदपुर से 13, कोडरमा से 13, गढ़वा से 10, सिमडेगा से 9, हजारीबाग से 4, गुमला से 3, खूंटी से 3, रांची से 2, लातेहार से 1, पलामू से 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 781 से बढ़कर 840 हो गई, जबकि 390 लोग स्वस्थ हुए और 6 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 226,713 है, जबकि 108,405 लोग स्वस्थ हुए और 6363 की मृत्यु हो गई। झारखंड में छठा मौत, रांची के कोकर निवासी। झारखंड में 4 जून को रांची के कोकर से एक संक्रमण पॉजिटिव की मौत हुई। इस मरीज को रिम्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जो फिलहाल सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मरीज पहले मेडिका में भर्ती था और वह एक रिटायर फौजी था। आरोप है कि मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट छुपाई थी। ऐसे में झारखंड में अब संक्रमण से मौत की संख्या 6 हो गई है। पारा शिक्षक जरूरी सूचना, 20 जून तक करें अपडेट। राज्य के पारा शिक्षकों के व्यक्तिगत विवरणी, शैक्षणिक योग्यता को सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 20 जून कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वाले प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि अब तक कुल 64,923 पारा शिक्षक में से 18,020 का सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध है। अंडमान से 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंचे। अंडमान में फंसे 180 प्रवासी मजदूर को लेकर आ रहा इंडिगो का चार्टर विमान गुरुवार शाम 6:15 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। मजदूरों का स्वागत के लिए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर एयरपोर्ट पर खड़े थे। अंडमान से रांची आए मजदूरों का स्वागत मुख्यमंत्री सुरक्षा किट, भोजन के पैकेट, पानी का बोतल देकर किया गया। लॉकडाउन से 4 जून तक 9872 मुकदमे पर सुनवाई की सिविल कोर्ट। झारखंड में 24 मार्च से हुए लॉकडाउन के बाद सिविल कोर्ट रांची में 4 जून तक 9872 से अधिक मामलों की सुनवाई हुई। सभी मामले आवश्यक थे और सभी मामले में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन के निर्देश एवं गाइडलाइन पर जिला अदालतों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चल रही है। झारखंड में 250 केजी सोना की खान की होगी नीलामी। झारखंड में 250 केजी सोना के भंडार वाली एक खान नीलामी के लिए तैयार है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले के भीतडारी स्थित खान में है। इस खान से अनुमान लगाया गया है कि राज्य सरकार के खजाने में 120 करोड़ रुपए आने की संभावना है। हम आपको बता दें कि भीतडारी में सोना की भंडार का पता लगाने का काम भूत तत्ववेता पंकज कुमार सिंह के निर्देश में चल रहा था। इस खान में अलग अलग गुणवत्ता वाले सोने की मात्रा में होने की संभावना है, जो कुल 250 केजी सोना की संभावना है। रांची बीवी 5वें वेतन का क्लेम 15 जून तक करेगा।
रांची बीवी सेवानिवृत्त शिक्षकों का पांचवें वेतनमान के बकाए राशि का क्लेम महाविद्यालय 15 जून तक बीवी को भेज देगा। छठे वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू करने तथा सातवें वेतन के अनुरूप पेंशन निर्धारित के विषय पर बात भी करेगा। यदि सातवें वेतनमान लागू करने पर जल्द फैसला नहीं होता है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे और यह अनिश्चितकालीन अनशन पर चले जाएंगे। झारखंड में बिहार बंगाल के 5 बस जब्त। बिहार व बंगाल में बसों का टिकट बुकिंग झारखंड के लिए शुरू हो गई है, जिसे लेकर झारखंड सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में बसों के संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी, यहां तक कि झारखंड में एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए भी पास की आवश्यकता होगी। बंगाल और बिहार से आए बुधवार को रांची में ऐसी 5 बसों को जब्त भी कर लिया गया है। परिवहन सचिव ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड में बस सेवा लागू नहीं है, आने पर पास बनवाना होगा, यदि नियमों का उल्लंघन की गई तो कार्रवाई भी की जाएगी। पलामू में तेंदुआ ने मचाया हड़कंप। पलामू जिला के चैनपुर थाना बाजार के एक घर में गुरुवार को एक तेंदुआ ने घुस जाने की खबर से हड़कंप मच गई है। घर के बाहर पंजा का निशान दिखा है, जिसकी जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची। घर में कोई नहीं रहता है, इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और लोगों को सीढ़ी लगाकर बाहर से तेंदुआ को देखने का प्रयास किया जा रहा है। लातेहार में विधायक ने बांटी आर्सेनिक एल्बम 30 दवा। लातेहार में स्थानीय विधायक बैद्यनाथ राम ने अपने आवास पर होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण आम लोगों के बीच किया। विधायक ने कहा कि यह दवा संक्रमण जैसी बीमारी से बचाने के लिए कारगर साबित है। यह दवा खाने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे संक्रमण का असर शरीर पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। झारखंड के लिए सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फंसे मजदूरों ने पंजीकरण कराया। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में झारखंड के फंसे मजदूरों में से अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु से पंजीकरण कराए हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने फंसे मजदूरों को दोबारा पंजीकरण कराने के मौका दिया था, यह बुधवार को ही समाप्त हो गई। वेब लिंक द्वारा 7 दिनों में कुल 17,557 मजदूर झारखंड वापसी के लिए पंजीकरण कराए हैं। झारखंड के 89 स्कूलों में छठी कक्षा प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को। जैक ने राज्य भर में 89 मॉडल स्कूलों में छठी कक्षा के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। मॉडल स्कूलों में कुल 3560 सीटें के प्रवेश परीक्षा आयोजन की जाएगी, जिसकी प्रवेश परीक्षा 28 जुलाई को होगी। हम आपको बता दें कि प्रत्येक स्कूल में 40 बच्चे का नामांकन होगा। इच्छुक विद्यार्थी आवेदन जैक की वेबसाइट से अपलोड कर अंतिम तिथि 21 जून तक अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं। आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। संकट की इस घड़ी में लग रहे चंद्र ग्रहण को खगोल विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान के लिए खास माना जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण आज रात 5 जून को 11:23 पर शुरू होगा, जो देर रात 2:34 तक रहेगा। प्रवासी को हुनर के हिसाब से काम, बादल पत्रलेख। प्रवासी मजदूरों को अपने ही घर में काम की तलाश है, इस विषम परिस्थिति में लौट कर जाना नहीं चाहते, जो सबको रोजगार देना चुनौती है, इससे सबको मिलकर निपटना होगा। ऐसी परिस्थिति में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लंबे समय तक अगर किसी को लाभ पहुंचाने की योजना है तो निजीगत स्तर पर भी काम करना होगा। कृषि कार्य से जुड़ने वाले मजदूरों को बाजार की दिक्कतें नहीं होगी। 2 लाख का इनामी नक्सली और उसकी महिला साथी ने किया आत्मसमर्पण। सरायकेला खरसावा जिला के कुचाई क्षेत्र में सक्रिय नक्सली महाराज प्रमाणिक के दस्ते का एरिया कमांडर सुखराम मुंडा व उसकी प्रेमिका सह इस दस्ते की महिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों के खिलाफ कई अपराध क्षेत्र के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। ऑटो रिक्शा की सवारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य। झारखंड सरकार द्वारा मिली छूट के बाद कंटेनमेंट जोन से बाहर ऑटो व रिक्शा वाहनों को भाड़ा पर चलाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में झारखंड सरकार में परिवहन विभाग ने कहा है कि ऑटो चालक और उसमें बैठने वाले यात्री को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, यदि उनके पास स्मार्टफोन है तो। परिवहन विभाग ने यह जानकारी 12वें दिशा निर्देश में कहा है। बोकारो के गोमियों में 111 एकड़ में लगेंगे 25,000 आम के पौधे।
बोकारो के गोमियो प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत 111 एकड़ में आम की बागवानी और इमारती लकड़ीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत 127 आम की बागवानी सहित 25,000 आम और इमारती लकड़ीय के पौधे लगाए जाएंगे। इस बागवानी के लिए विभिन्न पंचायतों के कार्य चल रहे हैं। बांग्लादेश से आए 39 लोग होटल में किए गए पेड क्वारंटीन। प्रवासियों का घर लौटने का सिलसिला जारी है, ऐसे में बांग्लादेश से लौटे 39 लोगों को शहर में पेड क्वारंटीन सेंटर में रहने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल 26 लोगों को झुमरी तिलैया के होटल में रखा गया है। झारखंड में संक्रमण जांच बनी चुनौती। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने के साथ ही संक्रमण के मामले में तेजी आई है। ज्यादा मामला प्रवासियों से ही आ रहे हैं। प्रवासियों के झारखंड आने के साथ ही राज्य में संक्रमण जांच करना एक चुनौती बन गई है, क्योंकि झारखंड में मात्र 8 लैब ही जांच कर रही है। इसके कारण बैकलॉग की संख्या बढ़ता जा रहा है, रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल पा रहा है। प्रवासी मजदूरों से डरने की जरूरत नहीं, मात्र 0.13% ही पॉजिटिव। प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं, इसके साथ ही झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। कुल 726 संक्रमितों में से 526 प्रवासी मजदूर हैं। इन संख्या में देखा जाए तो 72% से भी अधिक मजदूर हैं। बात अगर आंकड़ों की करें तो झारखंड लौटने के लिए 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 4 लाख लौट चुके हैं। ऐसे में 4 लाख में से 526 श्रमिक संक्रमित निकले, जो डरने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि मात्र 0.13% है। झारखंड में युवाओं को बेरोजगार करने में जुटी है हेमंत सरकार भाजपा। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि संक्रमण के वक्त जब केंद्र सरकार रोजगार बढ़ाने का संकल्प लिया है, उस समय राज्य सरकार लगातार रोजगार समाप्त करने पर उतारू है। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुबंध पर रखे लेखालिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के पद को 30 जून से समाप्त करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के पहले छुट्टी में गए पुलिस कर्मियों का डाटा हो रहा तैयार। झारखंड पुलिस लॉकडाउन लगने से पूर्व छुट्टी में गए पुलिस कर्मियों के डाटा तैयार कर रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय की DIG क्रमिक ए विजय लक्ष्मी ने इस संबंध में सारे जिले के SP व पुलिस के सभी शाखाओं के प्रमुखों को पत्र लिखा है। जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मी को छुट्टी का भी वेतन झारखंड पुलिस ने कर दिया है, जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। ऐसे में राज्य पुलिस मुख्यालय अब नए सिरे से मामले में विचार कर रहा है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।